आइए अब ऐसे केसेस देखते हैं, केस सेकंड, जहां पे एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो. द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स विथ मोर देन वन कायरल सेंटर. ठीक है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो, है ना, उन मॉलिक्यूल्स के लिए उनके बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे. ठीक है, इसमें भी कई केसेस बनेंगे. मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी मैं केस सेकंड का ए ले रहा हूं पहले. ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल. ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल. ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, फॉर इंस्टेंस ऐसा मॉलिक्यूल हो CH3CHOH, या BR ले लीजिए, इजी रहेगा, BR CH BR C2H5, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो आप देख सकते हैं यहां पे दो कायरल सेंटर्स हैं. ठीक है, दो कायरल सेंटर्स हैं. अब मैं इनके कितने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उनको देखा जाए और उनके बीच क्या रिलेशनशिप फिगर आउट करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. दो कायरल सेंटर है, एक एक मॉलिक्यूल तो ये हो जाएगा क्या CH3 C2H5 HH BR BR. ठीक है, ऐसे बनाया मैंने. ठीक है, फिर एक को पलट लीजिए. ठीक है, यानी आप BR HH BR ड्रॉ किया आपने. ठीक है, CH3 C2H5. ठीक है, तो पहले कायरल सेंटर को पलटा आपने, ये मिला. अब पहले कायरल सेंटर को मत पलटिए और पहले वाले के दूसरे कायरल सेंटर को पलटिए, फिर एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं CH3 C2H5, ऐसे. पहला वाला ऐसे ही रहने दीजिए, एच और बी आर. ठीक है, एच और बी आर रहने दिया मैंने, लेकिन दूसरे कार्यल सेंटर को पलट लीजिए, स्वैप कर लीजिए, यहां पे आ जाएगा BR H. और तीसरे चौथे केस में आप क्या करिए, तो पहले केस में मैंने क्या किया, पहला ये ओरिजिनल कंपाउंड है, पहला मॉलिक्यूल कब मिला, जब पहले कार्यल सेंटर को स्वैप किया. दूसरा मॉलिक्यूल कब मिला, जब मैंने दूसरे को स्वैप किया. और तीसरा मॉलिक्यूल मुझे कब मिलेगा, जब मैं दोनों को एक साथ स्वैप कर दूंगा. यानी है ना, इधर मैं BR लिखूं, इधर H लिखूं, इधर BR लिखूं, इधर H लिखूं, यहां पे मैं C2H5 लिख रहा हूं और यहां पे मैं है ना CH3 लिख रहा हूं. ठीक है, तो जस्ट ऑपोजिट मैंने ये चार चीजें बनाई. ठीक है, चार के अलावा और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप ओरिजिनली ऐसे थे, पहले को पलटे, दूसरे केस में आपने पहले को नहीं दूसरे को पलटा, और तीसरे केस के लिए आपने दोनों को पलट लिया. इतने ही कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं. ठीक है, अब इनके बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करते हैं. ठीक है, लेट इट बी द फर्स्ट केस, लेट इट बी द सेकेंड केस, लेट इट बी द थर्ड केस, एंड दिस वन एज फोर्थ केस. ठीक है, फोर्थ केस हो जाएगा. तो कर क्या सकते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप निकालना है मुझे. ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशनशिप, मैं सबका रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड का रिलेशनशिप, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशनशिप, फर्स्ट और नहीं सेकेंड और थर्ड का रिलेशनशिप, सेकेंड और फोर्थ का रिलेशनशिप, और थर्ड और फोर्थ का रिलेशनशिप निकाल रहा हूं. ठीक है, अच्छा, इससे पहले अभी मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करूंगा, और आने वाले समय में अगर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो मैं और टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप और आसानी से कर सकते हैं. पर जो टेक्निकली सबसे करेक्ट तरीका है करने का, वो है RS कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन शायद हम लोगों ने इसी दिन के लिए है ना सीखा है. तो आइए इनका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते. तो मैंने इसको RS कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत आपके लिए निकाल रखा है ना. इसका RS S आएगा, इसका R आ जाएगा, इसका R R आ जाएगा, इसका S S आ जाएगा, और लास्ट वाले का आ जाएगा. ठीक है, R S आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन R S आ जाएगा. ठीक, अब ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप निकालते हैं. तो पहले मैं आपके फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, फिर ध्यान दीजिए. ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ का रिलेशनशिप, जब भी रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर्स ऑपोजिट हो जाए. ठीक है, जैसे इसका पहला कायरल सेंटर S है और इसका पहला कायरल सेंटर R हो, ऑपोजिट है. ठीक है, ऑपोजिट है, इसका उल्टा R है, और इसका पहला R है तो इसका दूसरा R है, तो इसका दूसरा क्या हो जाए, S हो जाए. यानी रेस्पेक्टिव कायरल सेंटर्स ऑपोजिट हो, मतलब इधर SR है तो उधर RS हो, अगर इधर SRR है
तो उधर आर एस एस होना चाहिए, अगर इधर एस 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 है तो उधर आर 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 होना चाहिए। मतलब यहां सारे जो इधर के कॉन्फ़िगरेशन है अगर किसी और मॉलिक्यूल में जस्ट रेस्पेक्टिवली बदल जाएं तो हम उनको इनैंशियोमर्स कह सकते हैं। यानी मैं इतना तो श्योर हूं कि फर्स्ट और फोर्थ जो है वो इनैंशियोमर्स की कैटेगरी में आएंगे, इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है, इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। ऐसे ही आप देख लीजिए सेकंड और थर्ड की बात करिए, सेकंड थर्ड में भी ऐसा ही रिलेशनशिप है, इसके पास आर है तो इसका एस है, इसका आर है तो इसका एस है, तो इधर का सेट जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो ये भी इनैंशियोमर कहलाएंगे, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि सेकंड और थर्ड भी इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर्स है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये एस एस है और ये भी एस एस आ जाए, यानी रेस्पेक्टिवली सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएं तो उनको आइडेंटिकल कहेंगे, रेस्पेक्टिवली ऑपोजिट हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर, और इसके अलावा कोई भी केस होगा तो उसे हम डायस्टीरियोमर कहेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स मेरी बात ध्यान से सुने, फिर से मैं कह रहा हूं, ठीक है, अगर आपके रेस्पेक्टिव काइरल सेंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट ऑपोजिट हो गया है, इनैंशियोमर्स, एज इट इज सेम है, आर आर है, इधर भी आर आर हो जाए, आइडेंटिकल, एंड एनी अदर कॉम्बिनेशन इज डायस्टीरियोमर्स। अब आप पूछ सकते हैं डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स वो आइसोमर होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं शेयर करते मॉलिक्यूल के साथ, मतलब उनमें कोई ना कोई चीज डिफरेंट होती है। तो इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में क्या फर्क है, इनैंशियोमर जस्ट ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप होता है, जबकि डायस्टीरियोमर में ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। इनैंशियोमर्स जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मैच करती है, केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ एक आध स्टीरियो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, वरना केमिकल प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं, जबकि डायस्टीरियोमर्स में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और है ना केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती है। मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा, अभी मैं इसके ऊपर सारे पॉइंट्स लिखा दूंगा, ठीक है, पर अभी मुद्दे पे आ जाए, इनको पहचानने का काम है अभी हमारा। तो ये इनैंशियोमर हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड पे आइए, ये एस आर है, ये आर आर है, ये जस्ट इसका ऑपोजिट भी नहीं और जस्ट आइडेंटिकल भी नहीं है। जस्ट आइडेंटिकल होता तो हम आइडेंटिकल कहते हैं, जस्ट ऑपोजिट होता तो इनैंशियोमर कहते हैं, दोनों नहीं है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, डायस्टीरियोमर। तो ये हमारा डायस्टीरियोमर है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट और थर्ड में भी देखिए, फर्स्ट है एसआर और थर्ड है एसएस, ऑपोजिट भी नहीं है, आइडेंटिकल भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, डायस्टीरियोमर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ देखिए, सेकंड में आर आर है, फोर्थ में आर एस है, ठीक है, ना ऑपोजिट है ना आइडेंटिकल है, इसलिए इसे भी आप डायस्टीरियोमर कहेंगे, और थर्ड और फोर्थ भी एस एस और आर एस है, ठीक है, ये भी आपका डायस्टीरियोमर हो जाएगा। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि डायस्टीरियोमर और इनैंशियोमर किसे कहते हैं और कैसे पहचानते हैं उन मॉलिक्यूल्स में जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अभी जो मैंने कुछ बातें बोली जो इनैंशियोमर्स के बारे में, डायस्टीरियोमर्स के बारे में, उसे हम लोग दर्ज करते हैं। इनैंशियोमर्स के बारे में मैंने कहा कि अब जितना हम लोगों ने सीखा है वो सब लिख लेते हैं। पहली चीज, दो लोग अगर इनैंशियोमर्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि उनके है ना, उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा ना सिर्फ इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक है। यानी एक अगर इनैंशियोमर 20 डिग्री डेक्स्ट्रो घुमाता है तो दूसरा 20 डिग्री ही घुमाएगा, लीवो घुमाएगा, ऑपोजिट घुमाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इनैंशियोमर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन, हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रोटेशन, एक बात। दूसरी बात क्या, इनैंशियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप में होंगे, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स के लिए ये बात तो हम पहले से भी जानते हैं कि इनैंशियोमर्स हैव ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप, अमॉन्ग देमसेल्व्स, ठीक है, ऐसा। तीसरी चीज, इनैंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, स्टीरियोकेमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि है ना, इनैंशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी
have same physical property and have same physical property and accepting few and accepting few मतलब कुछ छोड़ के है ना बहुत सारी chemical properties ही match करती है and humans have same physical property and accepting few their chemical properties also chemical property is also same ठीक है तो इनकी chemical property भी same होती है ठीक है अच्छा और क्या ठीक है इतनी इतनी चीजें हो गई अब इन डायस्टीरियोमर्स के बारे में जाने तो ये तीन बातें आपको है ना इनेंशियोमर्स के बारे में जाननी थी डायस्टीरियोमर्स के बारे में क्या कह सकते हैं आप डायस्टीरियोमर्स के बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं डायस्टीरियोमर्स पहली चीज डायस्टीरियोमर्स की जो की रोटेशन की बात करिए तो उनमें एंगल ऑफ रोटेशन का भी फर्क हो सकता है डायरेक्शन का भी फर्क हो सकता है या दोनों फर्क भी हो सकता है ठीक है यानी मैं कह सकता और ये ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप शेयर नहीं कहते यानी डायस्टीरियोमर्स स्टीरियोमर्स डोंट हैव डोंट शेयर एन ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप ना ही ये है ना ऑब्जेक्ट मिरर इमेज मिरर इमेज रिलेशनशिप में होते हैं और ना ही ये आइडेंटिकल होते हैं ठीक है डायस्टीरियोमर डोंट शेयर एन ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप and neither they are identical ठीक है ना ही वो identical होते neither they are identical ठीक है identical भी नहीं होते दूसरी चीज क्या ठीक है ना दूसरी चीज क्या ये तो हो ही गया दूसरी चीज ये कि इनका direction भी अलग हो सकता है दो diastereomer का rotation का direction अलग हो सकता है या डायरेक्शन सेम है तो एंगल डिफरेंट हो सकता है या दोनों डिफरेंट हो सकता है ठीक है द टू आइसोमर्स द टू डायस्टीरियोमर्स मे हैव डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन और डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और बोथ दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं ठीक है ना दोनों चीजें भी अलग अलग हो सकती है अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन है ना कुछ सेम होगा कुछ अलग होगा ठीक है तो आप कह सकते हैं ना द आरएस कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन देम is neither is neither exactly opposite nor exactly same ठीक है exactly same यानी दे हैव सम इंटरमीडिएट बीच में होता है इसके कुछ ठीक है ना सारे ऑपोजिट होते हैं ना सारे सेम होते हैं तो नीदर एग्जैक्टली ऑपोजिट नॉट एग्जैक्टली सेम इन बिटवीन देम ठीक है ना ऐसा उनके बीच में हो जाता है ठीक है अच्छा वेजन डैश की बात करिए तो वेजन डैश के लिए मैं कह सकता हूं कि सारे वेजन डैश स्वैप्ड भी नहीं होते हैं रेस्पेक्टिव कार्डियल सेंटर्स के कुछ के स्वैप्ड होंगे कुछ के नहीं होंगे कुछ के स्वैप्ड होंगे कुछ के नहीं होंगे ऐसा ठीक है तो सारे वेजन डैश स्वैप भी नहीं होते और सारे वेजन डैश जो है सेम भी नहीं होते कुछ में स्वैपिंग होती है कुछ कार्डियल सेंटर्स में स्वैपिंग दिखती है कुछ में नहीं दिखती है तो ऐसे आप पहचान सकते हैं ठीक है ना तो मैं क्या लिख सकता हूं चौथा पॉइंट कि सम कार्डियल सेंटर्स हैव स्वैप्ड वेजन डैश While others have same wedge and dash. इसके अलावा क्या पांचवी बात इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है ना तो डायस्टीरियोमर्स जो है ना डायस्टीरियोमर्स have
डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इतनी बातें मैं इनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के बारे में कह सकता हूं। डायस्टीरियोमर्स जो है वो ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप शेयर नहीं करते, ना ही वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स जो है उनका एंगल ऑफ रोटेशन भी अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन में भी डिफरेंस हो सकता है, या दोनों का भी डिफरेंस हो सकता है। आरएस कॉन्फिगरेशन जो है ना ही एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं और ना ही है ना एग्जैक्टली सेम होते हैं, कुछ बीच का हिसाब किताब होता है, ठीक है। और काइरल सेंटर्स में भी है ना सारे, कुछ काइरल सेंटर्स के वेजन डैश स्वैप्ड होते हैं, ठीक है, कुछ के वेजन डैश जो है ना वो स्वैप्ड नहीं होते, ठीक है। और डायस्टीरियोमर्स जो है, दो लोग अगर डायस्टीरियोमर है तो आप कह सकते हैं कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने वेजन डैश के नहीं डायस्टीरियोमर्स के बारे में है ना सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है ना, पढ़ ली है। आइए अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड बी की आप भूल गए होंगे, केस सेकंड था एक से ज्यादा काइरल सेंटर्स के बीच में, एक से ज्यादा काइरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना। उसमें केस सेकंड का ए क्या था, ऐसा मॉलिक्यूल जो अनसिमेट्रिकल होता हो, ठीक है। अब केस सेकंड का बी देखते हैं कि एक से ज्यादा काइरल सेंटर अगर किसी मॉलिक्यूल में है और उसमें ना सिमेट्री भी निकल आती है, तब कितने तरह के मॉलिक्यूल्स बनेंगे है ना उस कंपाउंड के, और क्या उनके बीच का रिलेशनशिप होगा। तो आइए केस नंबर सेकंड का बी देखते हैं। केस सेकंड का बी, ठीक है, केस सेकंड का बी, व्हेन मॉलिक्यूल्स हैव मोर देन वन काइरल सेंटर एंड आर काइरल सेंटर एंड आर सिमेट्रिकल। तो ये बहुत अच्छा केस है और इसमें भी हम कुछ चीजें सीखेंगे। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ऐसा है CH3CH Cl CH Cl CH3, ठीक है। इसमें अगर आपको ये दो काइरल सेंटर दिए हैं लेकिन देखने में ये मॉलिक्यूल मुझे सिमेट्रिकल लग रहा है, ठीक है। तो आइए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और एक से ज्यादा काइरल सेंटर है, ठीक है, मोर देन वन काइरल सेंटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, आइए उसको फिगर आउट करते हैं। तो यहां पे दो काइरल सेंटर है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, दो काइरल सेंटर है, आप इसको लिख सकते हैं CH3 CH3 HHCl Cl Cl H, ऐसे कर सकते हैं Cl H Cl H HCl CH3 CH3, ठीक है ना। मैं जितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं सब बना रहा हूं, ठीक है। और एक में ऐसा हो सकता है HCl H Cl CH3 CH3 Cl H Cl H CH3 CH3, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैं है ना दो काइरल सेंटर है, तो पिछली बार की तरह ही चार मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहां पे, है ना। केस नंबर सेकंड ए में भी मैंने दिखाया था कि दो काइरल सेंटर होने पे चार केसेस बनते हैं। तो यहां पे चार तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। पहले काइरल सेंटर को स्वैप करने पे मिला, फिर दूसरे काइरल सेंटर को स्वैप करने पे एक मॉलिक्यूल मिला, और दोनों काइरल सेंटर को स्वैप करने पे एक और मॉलिक्यूल मिला। तो टोटल चार मॉलिक्यूल है, एक ओरिजिनल जो था ही, ठीक है। तो अब यहां पे मुझे चार काइरल मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, मैं इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन पहले ही ना निकाल चुका हूं। ये एसएस है, ठीक है, ये आरआर है, आरआर है, ये एसआर है, ये आरएस है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं देख सकता हूं कि तीन मॉलिक्यूल्स हैं, चार मॉलिक्यूल्स हैं, और मुझे इनके बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करना है, ठीक है। तो अब अगर बहुत गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि थर्ड और फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आई है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आएगी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आई है। और जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आती है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाते, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह गए, तो ये दोनों एक जैसे ही मॉलिक्यूल हो गए, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस था वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही डिफरेंस था। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही डिफरेंस था। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी भी है ना खत्म हो गई, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया, तो उनके बीच का अगर डिफरेंस खत्म हो गया तो वो दोनों सेम गिने जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बताऊं आपको, दो दो जुड़े भाई हैं, एक को तिल है एक को नहीं है,
या एक को लेफ्ट साइड टिल है, एक को है ना, एक को राइट साइड टिल है, एक को लेफ्ट साइड टिल है, ठीक है। तो आप उससे उन दोनों जुड़े भाई में डिफरेंस पता करते हैं कि ये ट्वींस हैं, इसके लेफ्ट साइड टिल है, इसके राइट साइड टिल है, तो तिल के वजह से उनके बीच में डिफरेंस था। लेकिन अचानक उन दोनों के चेहरे से तिल गायब हो जाए तो अब आप क्या कहेंगे? कहेंगे ये आइडेंटिकल है, क्योंकि जो चीज उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करती थी वो गायब हो गई, तो वो आइडेंटिकल हो गए। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो ऑप्टिकल एक्टिविटी का था, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी गायब कब हो गई? जब प्लेन ऑफ क्या निकल गया? सिमेट्री निकल गया, ठीक है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया तो इनके बीच का डिफरेंस गायब हो गया, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्रिएट करने वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों के डिफरेंस क्रिएट करने वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर गायब हो जाएगी तो दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल की तरह बिहेव करेंगे। तो इनको हम दोनों को अलग अलग ना कह के इनको मैं एक ही मॉलिक्यूल कह रहा हूं, लेट्स कॉल इट एज थर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, या थ्री डैश कह दीजिए ताकि दोनों में अंतर दिखे। तो अब क्या रिलेशनशिप मिलता है, है ना? मैं तीन तरह का रिलेशनशिप निकाल सकता हूं, फर्स्ट और सेकंड के बीच का रिलेशनशिप, फर्स्ट और थर्ड डैश के बीच का रिलेशनशिप, और सेकंड और थर्ड डैश के बीच का रिलेशनशिप। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर हो, कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि इसमें कायरल सेंटर है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल जिसमें कायरल सेंटर हो लेकिन साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री निकल आए जिससे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए, यानी काबिलियत थी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता था कायरल सेंटर की वजह से, लेकिन पीओएस या सीओएस निकल आने की वजह से वो काबिलियत अगर खो देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, तो ऐसे सब्सटेंस को मीजो कहते हैं। तो थर्ड जो है वो एक मीजो है, ध्यान दीजिएगा, इज अ मीजो, ठीक है, मीजो है। फिर से मैं बात कहूं आपको, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाए वो मीजो नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल गया वो मीजो नहीं है, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। मीजो उसे कहते हैं जिसमें कायरल सेंटर हो, पहले काबिलियत होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की, काबिलियत हो शो करने की, यानी कायरल सेंटर हो और तब पीओएस सीओएस निकल जाए तब मीजो कहते हैं। अगर कायरल सेंटर ही नहीं है तब पीओएस निकल जा रहा है तो वो मीजो नहीं है। तो याद रखिएगा, मीजो उनको कहते हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते थे लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें पीओएस निकल जाता है और इंटरनल कंपनसेशन होने लगता है। इंटरनल कंपनसेशन के बारे में बातचीत करूंगा मैं, ठीक है। तो ये मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव। खैर, क्या रिलेशनशिप आप देख सकते हैं? तो इसमें तो मैं देख सकता हूं एस का आर हो गया है, एस का आर हो गया है, ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंशियोमर्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंशियोमर्स, ठीक। और फर्स्ट और थर्ड डैश क्या है? तो अगर आप एस एस हैं और आप ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो कम से कम आप लोग इनेंशियोमर तो नहीं है और आप आइडेंटिकल भी नहीं है। अगर दो चीजें इनेंशियोमर नहीं है और आइडेंटिकल नहीं है तो आप श्योरिटी से कह सकते हैं कि वो दोनों जो है ना डायस्टीरियोमर होंगी। मैं देख के कह सकता हूं थर्ड डैश और फर्स्ट इनेंशियोमर तो नहीं है और आइडेंटिकल भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनेंशियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव है, और आइडेंटिकल भी होता तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ये वाला, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ना ये आइडेंटिकल है ना ये इनेंशियोमर है, तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये क्या है? डायस्टीरियोमर होंगे, ठीक है, दे आर डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड और थर्ड डैश भी डायस्टीरियोमर कहा जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे आपको ये भी बता दिया कि अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो लेकिन अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल निकल आए तो क्या रिलेशनशिप हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हो गई है ना, और मैं यहां पे मीजो का एक डेफिनेशन लिख देना चाहता हूं। मीजो किसे कहते हैं? एनी कंपाउंड विच हैज कायरल सेंटर सेंटर बट ऑल्सो पोजेसेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, then it is called मीजो कंपाउंड, ठीक है, मीजो कंपाउंड कहते हैं कंपाउंड। एक बात, मीजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली
इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसा इनएक्टिविटी का कारण क्या है, मैं आगे इसके बारे में और बातचीत करूंगा। अभी ध्यान दीजिएगा, जब दो लोग, अब ये काइरल सेंटर, ये हाफ मॉलिक्यूल और ये हाफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये अगर, तो एक तरह से ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो गए, ठीक है। जैसा ये पार्ट है उसी का ये मिरर इमेज है, यानी अगर इसको एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल अज्यूम करिए तो इसका ये इनेंशियोमर है। यानी ये अगर ये वाला काइरल सेंटर की वजह से अगर 20 डिग्री चीजें घूमेंगी तो इसके वजह से -20 डिग्री घूमेंगी। यानी ये वाला पार्ट अगर चीजों को 20 डिग्री डेक्स्ट्रो घुमाएगा तो ये वाला पार्ट चीजों को 20 डिग्री लीवो घुमा देगा। इसी वजह से जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि एक पार्ट जितना घुमाएगा दूसरा पार्ट उसको वापस घुमाकर नलीफाई कर देगा। इस प्रॉपर्टी में जहां मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट को नलीफाई करता हो इसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। जबकि अगर आप इन दोनों को बराबर ले लीजिए तब भी उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये एक इनेंशियोमर है, ये 20 डिग्री घुमाता है और ये -20 घुमाता है, तो अगर आप दोनों को बराबर ले लेंगे तो सॉल्यूशन जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। उस सॉल्यूशन को हम लोग रेसेबिक मिक्सचर कहते हैं। तो इन दोनों को मिलाने पर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर मिलेगा, लेकिन लेकिन यहां पे जो इनएक्टिविटी होगी वो एक्सटर्नल कंपनसेशन से होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को एक्सटर्नली किसी और मॉलिक्यूल ने कंपनसेट किया है इसके एक्टिविटी को। लेकिन मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, एक सेक्शन जो है वो दूसरे सेक्शन की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपनसेट करता है। यानी आपको कोई एक्सटर्नली कोई मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है कंपनसेशन के लिए, एक पार्ट खुद ही दूसरे पार्ट को कंपनसेट कर देता है ऑप्टिकली, ठीक है, ऑप्टिकली कंपनसेट कर देता है। तो इस फेनोमेना को जहां आप एक्सटर्नली कोई कंपनसेट करता है उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं, और जब भी एक मॉलिक्यूल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कंपनसेट करता है हम उसको इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए यहां पे मीजो कंपाउंड्स जो हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव इसीलिए होते हैं क्योंकि है ना वो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मीजो कंपाउंड्स, मैं लिख सकता हूं यहां पर मीजो कंपाउंड्स बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। तो ग्राउंड वर्क तो कंप्लीट हो गया हम लोगों ने, है ना, पहले देखा कि अगर एक से ज्यादा एक काइरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हम लोगों ने यह देखा कि दो काइरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उसमें भी दो बातें सीखी हम लोगों ने कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो क्या रिलेशनशिप होगा और अनसिमेट्रिकल है तो क्या रिलेशनशिप होगा और सिमेट्रिकल है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। हम लोगों ने इनेंशियोमर भी जाना, डायस्टीरियोमर भी जाना, आइडेंटिकल भी समझा और मीजो भी समझा, ठीक है। अब जरूरत इस बात की है कि आइए इनके इसको और अच्छा डिटेल में समझने के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे ये दो कंपाउंड है, मुझे इनके बीच का रिलेशनशिप फिगर आउट करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि मैं इनका आरएस निकालूं और इनका आरएस निकालूं और इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दूं। पर इससे आसान तरीका भी है, स्वैपिंग से, ठीक है। तो आप क्या क्या कीजिए, जब भी काइरल सेंटर है सबको एक एक कॉन्फ़िगरेशन एस मान लिया कीजिए, चलिए मैंने एस मान लिया, सबको एस मान लीजिए, सबको आर मान लीजिए, जो भी मन करे अपने हिसाब से आप मान सकते हैं ना, आप आर भी मान सकते हैं, अज्यूम कर दीजिए उसको, नाम दे दीजिए आर या एस कुछ भी, चलिए मैंने इसको आर कह दिया, ठीक है। अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इसके एमयू ऊपर, यहां एमयू ऊपर, यहां एच इस साइड में, इस काइरल सेंटर की बात कर रहा हूं, एच इधर तो इसका भी एच इधर, बी आर इधर तो इधर भी बी आर, नीचे सेम ग्रुप है ना, सी एच एम ई बी आर है, इसके भी नीचे वही ग्रुप है, यानी ये काइरल सेंटर और ये काइरल सेंटर एकदम एक जैसे हैं। तो अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा, अगर ये मैं शुरू में एस लेता तो वो भी एस होता, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि ये कितने स्वैपिंग में इसकी तरह दिखेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक स्वैप करते हैं इन दोनों का, इन दोनों का, ठीक है, एक स्वैप करते हैं बी आर और एच का, तो बी आर यहां आ गया और एच यहां आ गया, यानी एक स्वैपिंग हो गई इसकी, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, ठीक है ना। और एक स्वैपिंग और कर दीजिए इन दोनों का,
एच एम ई, अभी दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आर है, अब ये आर है, ठीक है। तो दो स्वैपिंग पहले क्या था, दो स्वैपिंग पहले भी आर रहा होगा, क्योंकि एक स्वैप से आर एस से बदला होगा और फिर ये एक स्वैप करने पर ये आर में बदल गया होगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों अगर सेम हो गए, एक जैसे दिख रहे हैं, तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अभी इस वक्त तो आर है, यानी दो स्वैप पहले कैसा था, आप इसको वापस करिए, ठीक है। एच और एम ई को आप रीस्वैप कर दीजिए उल्टा, है ना। मैं उल्टा जा रहा हूं, एम ई और एच, तो अब ये एस हो जाएगा, एस एस, और फिर इन दोनों को स्वैप कर लिए जो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन था, एच और बी आर, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, ये आर हो जाएगा। तो मैं साफ साफ देख सकता हूं कि ना ये ओरिजिनली भी आर ही था, ठीक है, ओरिजिनली आर था। मतलब क्या, आप स्वैप करके इसको, इन दोनों को पहले सेम कर दीजिए और बैक चले जाइए, या पता लगा लीजिए कितने स्वैप हुए। आपको मालूम है अगर आप किसी सिचुएशन पे इवन स्वैप से पहुंचे हैं तो ओरिजिनल और अभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, अगर आप ऑड स्वैप से पहुंचे हैं तो ऑपोजिट होगा। तो ये अगर आर आर था तो ये भी आर आर आया, अगर ये एस एस लेते तो ये भी एस एस आता, यानी मैं साफ कह सकता हूं कि ये दोनों का आर एस कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आप देखकर ही बता सकते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के, है ना, मिरर इमेजेस है। OH इस तरफ है तो इसका इधर है, H इधर है तो इधर H है, COH ऊपर, ऐसे तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, इसलिए मैं इनको बड़े आराम से इनैंशियोमर कह सकता हूं, ठीक है, दे आर इनैंशियोमर्स। अब आइए इस केस की बात की जाए, इस केस में तो फिर वही कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, इसको अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, आर आर ले लिया मैंने, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एक एक स्वैप करने पर यह मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यानी अगर इसको एक स्वैप करने पर यह मिल रहा है, तो अगर ये आर है तो पक्का ये क्या होगा, एस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक स्वैप करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये आर है तो ये भी आर होगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे मैच करता है, OH OH H H COET COET, ठीक है। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या रहेगा, आर रहेगा, ठीक है। तो मैं साफ देख सकता हूं कि इन दोनों के बीच में सारे सारे उल्टे भी नहीं हो गए कि आर आर है तो एस एस हो जाता, तो मैं इनको इनैंशियोमर कहता, और अगर आर आर के साथ साथ ये आर आर रहता तो मैं आइडेंटिकल कहता, लेकिन कुछ लोग बदल गए हैं, कुछ लोग एज इट इज हैं, यानी इनके बीच में डायस्टीरियोमर वाला रिलेशनशिप है, दे आर डायस्टीरियोमर। आइए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या है, यहां पे तीन कायरल सेंटर है तो टेंशन नहीं है, आप, मैंने कहा आप अपने मन से कुछ भी आर 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 लिख दीजिए। चलिए अब आप देख सकते हैं ये जो है वो जस्ट इसका ऐसे उल्टा है, तो ये आर होगा तो ये एस हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन इसी की तरह है, एच इधर है, ओ एच इधर है, ऊपर के ग्रुप नीचे ग्रुप ना रेस्पेक्टिवली वैसे ही है, आप देख सकते हैं। बल्कि मैं आप ध्यान दीजिए, ये कायरल ही नहीं है, ठीक है ना, ये आपका कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, ठीक है, तो वो काइरल सेंटर नहीं है। तो इन्हीं दोनों को देखते हैं, आर आर, इसको देखिए आप, ये सी एल एच है, ये एच सी एल है, तो इसका ठीक ये क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है, ऑपोजिट है, इसी सी एल एच को आप पलट दीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये आर आर है तो ये एस एस है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो है ना इनैंशियोमर्स है, ठीक है, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है, इनैंशियोमर्स का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे लगता था कि इनैंशियोमर होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये पर्टिकुलर काइरल है, ये भी पर्टिकुलर काइरल है, ये भी पर्टिकुलर काइरल है, ये भी पर्टिकुलर काइरल है, लेकिन और जस्ट इसका ऑपोजिट ये है, ये ऑपोजिट है, तो देख के साफ लग रहा है कि इनैंशियोमर होगा, ये काइरल नहीं है, क्योंकि MeCLH और MeCLH दोनों ग्रुप सेम हो गए हैं ऊपर और नीचे, ठीक, तो ये काइरल नहीं है, तो ऐसा देख के लग रहा है जैसे इनैंशियोमर है, कोई भी इसको इनैंशियोमर मार देगा, ठीक है। मैंने भी यहां पे लिखा इनैंशियोमर, पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ क्या निकल के आ जा रही है, सिमेट्री, ऊपर और नीचे सेम है, यहां पे भी है ना, ऊपर और नीचे सेम है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल में है ना ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, दोनों इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो दो लोग जिनमें काइरल सेंटर्स होते हैं लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, मीजो कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले
थ्योरी में बताया, तो ये इनेंशियमर ना होके मीजो कंपाउंड हो जाएंगे। यहां देखा जाए इस केस में, इस केस में भी ऐसा ही करिए, आर 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 ले लीजिए। अब आप देखिए एच और सी एल पलट गया यहां पे, ठीक है, तो आर का ये एस हो गया होगा, एक स्वैप से चीजें उल्टी हो जाती है। यहां क्या हो जाएगा नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस में ये एच इधर सी एल इधर, एच इधर सी एल इधर, यानी इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा, इसका जो कॉन्फिगरेशन होगा वही इसका भी कॉन्फिगरेशन होगा आर, ठीक है। और इस केस में भी आप देख सकते हैं एच सी एल, एच सी एल यानी सेम कॉन्फिगरेशन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो मैं साफ कह सकता हूं कि ये आर 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 था जो कि अब एस आर आर हो गया है, ठीक है, है ना। यानी ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, डायस्टीरियोमर, ना पूरी तरह से है ना आइडेंटिकल है और ना पूरी तरह से है ना इनेंशियोमर है और ना पूरी तरह से आइडेंटिकल है। ऐसे यहां आ जाइए, यहां आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये काइरल है, ये काइरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ये मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव के बीच में एक ही रिलेशनशिप हो सकता है, उनको आप डायस्टीरियोमर कह सकते हैं, डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। यहां की बात कीजिए, ये काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, ये वेज है तो वो डैश है, यानी ये आर होगा तो ये एस हो जाएगा, अगर ये आर होगा तो ये भी एस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जस्ट इसका ये डैश है तो ये वेज है। वैसे मैंने आपको और भी तरीके बताए थे, है ना, वेज एंड डैशेस में आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, जब भी वेज और डैश स्वैप्ड हो, यानी वेज यहां पर डैश हो जाए और डैश यहां पर वेज हो जाए, तो उनको आप क्या कहते हैं, इनेंशियोमर्स कहते हैं, ठीक है, जब भी वेज एंड डैश स्वैप्ड हो इनेंशियोमर होते हैं। जब भी दो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज दिखें उनको भी हम लोग इनेंशियोमर कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने है ना मॉलिक्यूल्स को पहचानने के लिए कंडीशंस लिखवाए हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि दो चीजें जिनका वेज एंड डैश स्वैप्ड हो इनेंशियोमर्स होते हैं, दो लोग जिनमें काइरल सेंटर्स हो और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो उनको भी आप इनेंशियोमर कह सकते हैं, है ना, इनेंशियोमर्स कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों घटनाएं एक साथ घट जाए, यानी दो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज भी दिखे और साथ में वेज एंड डैश भी स्वैप दिखे, दोनों चीजें अगर एक साथ हो जाए तो हम कह सकते हैं कि है ना वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वेज एंड डैश स्वैप होने का मतलब कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाना और मिरर इमेज होने का भी मतलब कॉन्फिगरेशन उल्टा हो जाना, तो अगर दोनों चीजें साफ होंगी तो उल्टे का उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है, यानी आइडेंटिकल हो जाएगा वो मॉलिक्यूल। तो ध्यान दीजिएगा दोनों कंडीशन एक साथ अभी कोई ना कोई क्वेश्चन में मिल जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में भी मैं देख सकता हूं। अच्छा यहां पे शायद मुझसे गलती हो रही है, क्या देखने में दोनों मिरर इमेज तो हैं तो हमें इनेंशियोमर कह सकता हूं, लेकिन इनमें क्या निकल आया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री निकलने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह गए तो दोनों मीजो हैं, ठीक है, दोनों को मैं मीजो कह सकता हूं, दे आर मीजो कंपाउंड, ठीक है। यहां पर बल्कि आपको समझ में आएगा ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और वेज एंड डैश वैसा ही है, जो वेज था वो यहां पे भी वेज है, जो यहां डैश था वो यहां पे भी डैश है, तो दो लोग अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हो तो उनको आप इनेंशियोमर्स कह सकते हैं, तो ये इनेंशियोमर हो जाएंगे। ऐसे यहां आ जाइए, देखने में दोनों का वेज एंड डैश स्वैप्ड है, मैं इनेंशियोमर कह सकता हूं, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या निकल आया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आई है, यानी दोनों जो है आइडेंटिकल हैं और दोनों मीजो हैं, है ना, मीजो है, तो इनकी पहचान मीजो है और संबंध आइडेंटिकल है, दे आर आइडेंटिकल, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यहां पे भी ये दोनों मिरर इमेजेस थे लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से आइडेंटिकल हो गए। ऐसे ये भी मीजो निकल आए हैं, ठीक है ना, तो ये आइडेंटिकल कहा जाएगा, दे आर आइडेंटिकल। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए मीजो होने के लिए आपके पास काइरल सेंटर हो तब प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आया, ठीक है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन यहां पे कोई काइरल सेंटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां काइरल सेंटर नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आया, कोई भी काइरल सेंटर नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ही आइडेंटिकल है, दोनों क्लोरीन ऊपर है, इसको आप पलट लेंगे तो ऐसे दोनों क्लोरीन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनेंशियोमर की तरह इसमें वेज एंड डैश तो स्वैप है, पर दिक्कत यह है कि आप वेज एंड डैश स्वैप तब देखते हैं ना जब मॉलिक्यूल में कोई सेंटर क्या हो, काइरल हो, ये काइरल सेंटर है, काइरल सेंटर है, इस मॉलिक्यूल में चूंकि काइरल सेंटर नहीं है इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
अगर दो लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरली भी सेम है, दोनों क्लोरीन जो ऊपर है अगर आप इसको इस मॉलिक्यूल को ऐसे पलट लेंगे तो दोनों क्लोरीन जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दे आर आइडेंटिकल बट नॉट मीजो, दे आर आइडेंटिकल बट दे आर नॉट मीजो, ये मीजो कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने 11 क्वेश्चन देखे, आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि काइरल सेंटर ही नहीं है क्योंकि इसमें है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चरली ये मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसा है, क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन ऊपर, इसको आप अगर पलट देंगे तो क्लोरीन नीचे ब्रोमीन नीचे हो जाएगा, इसकी तरह दिखने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये आइडेंटिकल है, इट इज आइडेंटिकल, ठीक है, ये आपका आइडेंटिकल की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा यहां पे आइए, यहां पे भी काइरल सेंटर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो काइरल सेंटर ही नहीं है, दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्लोरीन आधा 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 है ना, यहां जैसे भी है भले ये ऊपर है नीचे है पर आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा और दोनों मिरर इमेज होंगे, ठीक है। लेकिन ये इसकी तरह नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ऊपर है, अगर आप इसको पलट लेंगे दोनों क्लोरीन नीचे हो जाएगा, जबकि यहां एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे है। हाँ यहां आप एक चीज देख सकते हैं, दोनों क्लोरीन एक साइड है, यहां दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड है, यानी आप इसको सिस कह सकते हैं, इसको आप सिस कह सकते हैं और इसको आप ट्रांस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, और आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमेशा डायस्टीरियोमर्स होते हैं। मैं आपको मालूम ये बात मैं बता दूं आपको, स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं, इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर। जो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के उनको इनैंशियोमर कहते हैं, और जो नहीं होते हैं उन्हें हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में, स्टीरियो आइसोमर्स में दोनों आते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं वो अगर मिरर इमेज है तो इनैंशियोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं होंगे उन्हें डायस्टीरियोमर कहेंगे, और स्टीरियो आइसोमर्स में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो कभी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को चाहे वो सिस ट्रांस हो चाहे वो ईजेड हो आप उनको डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। तो मैं इनको डायस्टीरियोमर कह रहा हूं। मैं फिर बताऊं ये डायस्टीरियोमर क्यों है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं है ना, और जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, यानी एक स्टीरियो आइसोमर्स है जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसे हम डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दोनों काइरल हैं है ना, और वेज मॉलिक्यूल एक जैसा दिख रहा है पर वेज के जगह डैश हो गया है, वेज के जगह डैश हो गया, तो वेज एंड डैश अगर स्वैप्ड हो तो हम इनको क्या कह सकते हैं है ना, इनैंशियोमर्स कह सकते हैं, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है, ये इनैंशियोमर्स में आ जाएंगे। ऐसे यहां आ जाइए, यहां अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर है, ये काइरल है, ये भी काइरल है, डैश वेज हो गया है, वेज डैश हो गया है, ठीक है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये इनैंशियोमर्स हैं, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है, ये इनैंशियोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी बात की जाए, ये ना सिर्फ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे अगर ब्रोमीन ब्रोमीन में ढंग से लिख दूं, ब्रोमीन ब्रोमीन, तो आप देख सकते हैं ये ब्रोमीन जो है ये दोनों एक दूसरे के है ना मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज होने के साथ साथ क्लोरी हाँ एग्जैक्टली मिरर इमेज है, ठीक है। तो जब दो चीजें एक दूसरे की मिरर इमेज हो जाए तब भी इनैंशियोमर, या फिर दोनों का वेज एंड डैश स्वैप्ड हो तब भी इनैंशियोमर, ठीक है, और दोनों हो जाए तो आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये आप इसको इनैंशियोमर की कैटेगरी में इसको भी डाल सकते हैं, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है, दे आर इनैंशियोमर्स। इस केस की बात की जाए, आप देख सकते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ना सिर्फ एक दूसरे के है ना मिरर इमेजेस हैं है ना, बल्कि इनका वेज एंड डैश भी स्वैप्ड है, क्लोरीन डैश है तो यहां वेज है, यहां ये डैश वेज है तो ये डैश है। तो अगर दोनों कंडीशन एक साथ हो जाए, देखिए मैंने फिर मैं बताऊं आपको, अगर ये मॉलिक्यूल आर आर होता तो वेज एंड डैश स्वैप होने की वजह से ये एस एस हो जाता, और आर आर जो है वो मिरर इमेज की वजह से भी पलट जाते हैं, एस एस हो जाएंगे। यहां पर दोनों है, अगर ये आर आर है तो मिरर इमेज की वजह से एस एस हो जाना चाहिए था, और वेज एंड डैश स्वैप होने की वजह से इसका भी उल्टा हो जाना चाहिए था, यानी फिर से ये आर आर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें मैंने कंडीशंस में लिखाई है आइडेंटिकल कंपाउंड्स को पहचानने में, कि दो लोग अगर एक दूसरे के मिरर इमेज हो और साथ साथ उनके वेज और डैश स्वैप्ड हो पलट गए हो तो वो दोनों आइडेंटिकल के कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इनको आप है ना आइडेंटिकल कह सकते हैं, दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल।
है ना, आइडेंटिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी बात की जाए फिर यहां पे भी वही बात है, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है तो इनके ऑप्टिकली एक्टिव होने का तो कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, मैं हाइड्रोजन को जरूर देखकर कुछ कह सकता हूं, यहां हाइड्रोजन नीचे है, यहां भी हाइड्रोजन नीचे है, यहां हाइड्रोजन नीचे है और यहां हाइड्रोजन ऊपर है, यानी ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस है और ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। दो स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर जब भी बोलता हूं तो उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों होते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर यानी यहां पर ज्योमेट्रिकल है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उनको आप डायस्टीरियोमर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके डायस्टीरियोमर हो गए, बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप डायस्टीरियोमर्स है। यहां आ जाइए, यहां आप देख सकते हैं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसको प्लेन मानकर इसको काटें ऐसे, इसको प्लेन मानकर ऐसे काटें, एच भी आधा आधा कट जाएगा, एम ई भी आधा आधा कट जाएगा, एम ई और एच सब आधा आधा कट जाएगा, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। और आप अगर इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पर्सपेक्टिव से देखिए तो ये भी ऑपोजिट है और एम ई भी ऑपोजिट है, यानी ये भी ट्रांस है वो भी ट्रांस है। तो जब दोनों ट्रांस होंगे तो हम इनको क्या कह सकते हैं, आइडेंटिकल कह सकते हैं, दे आर आइडेंटिकल इन नेचर क्योंकि दोनों ट्रांस फॉर्म में है। अगर आप कायरलिटी की बात करिए तो ये सेंटर मुझे कायरल दिख रहा है, क्यों, क्योंकि एच अलग एम ई अलग, और इस मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे काट दीजिए तो इस साइड एम ई है उस साइड एम ई नहीं है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे दिख रहा है। ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन यहां पर वेज एंड डैश ट्रैप्ड है ना, ये वेज है, एच ऊपर एम ई नीचे, तो इस रेस्पेक्टिवली यहां पर एम ई ऊपर एच नीचे हो गया, और यहां पे एम ई ऊपर एच नीचे, तो रेस्पेक्टिवली यहां पर एच ऊपर एम ई नीचे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसको वेज एंड डैश से दिखाते तो इसको वेज लिखते इसको डैश लिखते, यहां पे इसको वेज लिख रहे हैं इसको डैश लिखते, यानी रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिव जो काइरल सेंटर्स हैं उनके वेज और डैश स्वैप हो चुके हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं, दे आर इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये इनैंशियोमर्स हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये आर है तो इसको स्वैप करने करके यहां रखा गया, यानी ये पक्का एस हो जाएगा, और अगर ये आर है तो एम ई और एच को स्वैप करके एच और एम ई कर दिया गया, यानी ये आर है तो ये भी आर हो जाए, सॉरी ये आर है तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आर एस कॉन्फिगरेशन अगर जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो उनको आप इनैंशियोमर्स कह सकते हैं। ठीक है, यही चीज यहां पर भी देखते हैं, आइए ना यहां पर देखा जाए, ये भी एक कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है, मैं देख सकता हूं ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, पर इसमें अगर आप बहुत गौर से देखें तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आई है। ठीक है, तो ये तो मीजो हो गया, वो लोग जिनमें कायरल सेंटर हो और उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आए उन्हें मीजो कहते हैं, जबकि ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है लेकिन ये मीजो नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो मीजो का किसी भी चीज के साथ रिलेशनशिप एक ही चीज हो जाएगा, उसे आप डायस्टीरियोमर कहेंगे। ठीक है, डायस्टीरियोमर कहा जाएगा, तो ये आपका डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल एक जैसा ही है ना, और है ना वेज के जगह डैश हो गया और वेज के जगह है ना डैश हो गया। तो अगर कायरल सेंटर्स में वेज और डैश स्वैप्ड हो और मॉलिक्यूल एक जैसा दिखे तो हम उसको इनैंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो इट इज इनैंशियोमर, इट इज इनैंशियोमर, आपका इनैंशियोमर हो जाएगा। ऐसे ही यहां देखते हैं, यहां पे क्या कह सकते हैं, अगेन ये मॉलिक्यूल ना सिर्फ एक दूसरे के है ना मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं, बल्कि मिरर इमेज में भी वेज और डैश स्वैप्ड है। ठीक है, तो अगर दोनों चीजें एक साथ होती है तो मैं ऐसे मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल कहूंगा, है ना, तो इट इज आइडेंटिकल इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। यहां पे क्या है, मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, और वेज के जगह डैश है, डैश के जगह वेज है, और काइरल सेंटर्स भी हैं। ठीक है, तो ये साफ साफ इनैंशियोमर का केस है। ठीक है, तो ये इनैंशियोमर हो जाएंगे, इनैंशियोमर कहे जाएंगे। ठीक है, इनको इनैंशियोमर कहा जा सकता है। नेक्स्ट चीज क्या, यहां पर आप आएंगे अगर देखेंगे, पहले मैं इसको निपटा दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को, अगेन क्वेश्चन नंबर 26 में भी वही चीज है ना, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे दिख रहे हैं,
ठीक है, मिरर इमेज जैसे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये अगर वेज है तो ये डैश है, और ये डैश है तो ये वेज है। तो अगर दो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज हो और साथ साथ उनमें वेज और डैश भी स्वैप्ड हो, ठीक है, तो उनको आप आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक है, तो दे आर आइडेंटिकल। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप ध्यान दीजिए, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ एम ई है और मिथाइल है, प्रोपाइल है, जबकि यहाँ इथाइल है, इथाइल है। तो बेसिकली ये एक पोजिशन आइसोमर्स हो गए, ना कि ना ऑप्टिकल आइसोमर्स तो रहे नहीं। मिथाइल मीन्स एक कार्बन, प्रोपाइल मीन्स तीन कार्बन, मीथेन एथेन प्रोपेन, ठीक है, और इथाइल मीन्स दो कार्बन, और यहां भी इथाइल मीन्स दो कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि यहां अगर आप नंबरिंग करेंगे तो ये 1, 2 पे OH है, जबकि यहां पर 3 पे OH है। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। आप इसको कह सकते हैं पेंटेन टू ऑल, और ये पेंटेन है ना थ्री ऑल है। तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पोजिशन आइसोमरिज्म का है। ठीक है, दे आर पोजिशन आइसोमर्स, दे आर पोजिशन आइसोमर्स। तो ध्यान दीजिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, है ना, और ये पोजिशन ऑप्टिकली एक्टिव तो है क्योंकि यहां पे एक कायरल सेंटर है और ये भी एक कायरल सेंटर है, लेकिन OH की पोजिशन डिफरेंट है। तो दोनों इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है, पर दोनों आइडेंटिकल या दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि जब स्ट्रक्चरल आइसोमर ना हो तब हम ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरली अगर डिफरेंट है तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन हाँ, इंडिविजुअली अगर कोई इसको देख के पूछेगी क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपका जवाब होगा हाँ ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि उसमें कार्बन सेंटर है। क्या ये इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें भी कार्बन सेंटर है। पर क्या ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, देखते हैं हम, अगर दो लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाते हैं तो कभी भी स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। इसकी बात करिए, जी हाँ, यहां पर कार्बन सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि इस तरफ सेम है। ठीक है, ये कायरल सेंटर नहीं है, तो दोनों कायरल सेंटर जरूर है, है ना, और देख सकते हैं आप दोनों में कायरल सेंटर है, लेकिन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, तो कायरल के हिसाब से अगर देखें तो दोनों मीजो हो जाएगा, दोनों मीजो है। ठीक है, दोनों मीजो है, लेकिन अगर आप बहुत गौर से, तो मीजो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की तो बात खत्म हो गई, ये मीजो है, ये भी मीजो है, है ना, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कैटेगरी में लिख सकते हैं। एमई ऊपर, क्लोरीन नीचे, क्लोरीन ऊपर, क्लोरीन नीचे, क्लोरीन ऊपर। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर नीचे में डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का फर्क है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। तो चूंकि ये है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसलिए हम इनको डायस्टेरियोमर्स कह सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसलिए मैं इनको है ना डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में डाल सकता हूं, स्टीरियोमर्स की कैटेगरी में डाल सकता हूं। ये चीज आ जाएगी। अगली चीज क्या? वही चीज यहां पे भी हो जाएगी। आप देखिए, ये काइरल है, ये भी काइरल है, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल आया, यानी ये मीजो है। ठीक है, ये भी काइरल है, ये भी काइरल है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो दोनों ऑप्टिकली भी डायस्टीरियोमर होंगे और ज्योमेट्रिकली भी डायस्टीरियोमर इसलिए होंगे क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन का फर्क है, ऊपर ऊपर, ठीक है, सेम है, नीचे ऊपर, नीचे नीचे। ठीक है, तो दोनों तरह के आइसोमर्स हैं, ये ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर्स भी हैं और ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स भी हैं, इनको आप डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं। ठीक है ना, डायस्टीरियोमर्स कहा जा सकता है इसको। तो अब तक हम लोगों ने 28 क्वेश्चन देखे हैं, मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं, आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अब देखिए यहां पे आप देख के ऐसा लग रहा है जैसे दो एक जैसे मॉलिक्यूल हैं और इसका वेज है, उसका डैश है, इसका वेज है, इसका डैश है, तो दोनों इनैंशियोमर्स होने चाहिए। लेकिन जब भी मैं क्वेश्चन नॉर्मल टीचिंग क्लासेस में देता हूं, बच्चे फंस जाते हैं, उसको इनैंशियोमर कह देते हैं। ये दोनों आइडेंटिकल है, क्यों आइडेंटिकल है जरा ध्यान से देखिए, है ना, शायद आप में से कुछ लोग को यह दिखाई पड़ जाए क्यों आइडेंटिकल है। ये आइडेंटिकल इसलिए है क्योंकि इसमें काइरल सेंटर ही नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां पर एच है और यहां पर भी एच है, तो अगर दोनों एच है तो कायरल सेंटर ही नहीं है, तो इसको तो लिखना ही नहीं है, या तो दोनों एच है, लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहां भी दोनों एच है, यहां तो कोई कायरल नहीं है। अब अगर यहां इस तरफ कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो इधर और इधर की चीजें सेम हो गई, इधर और इधर की चीजें सेम हो गई, यानी सीएल अलग, एच अलग, लेकिन इधर और इधर की चीजें सेम है, इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, वो भी कायरल सेंटर नहीं है,
और अगर दोनों का आइडियल सेंटर नहीं है तो इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस तो होगा नहीं, ऑप्टिकल एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं होगा, दोनों सेम है, इसी को आप पलट दीजिए तो ऐसा दिखने लगेगा, दे आर आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, 30। अब 30th क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सीएल सीएल एच एच बी आर बी आर सिस सिस, बिल्कुल एक जैसा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं कह तो सकता हूं कि ये काइरल सेंटर है, ठीक है काइरल सेंटर है। अगर ये आर होगा, मैंने माना आर, तो ये पक्का एस होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक स्वैप करने से आ गया है, ठीक है, और अगर एक स्वैप स्वैप करने से आया तो एस होगा, और अगर ये आर है वो एस है तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि ये इनैंशियोमर्स है, ठीक है, दे आर इनैंशियोमर्स, ठीक है, ये इनैंशियोमर्स कहे जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इसी से मिलता जुलता, एच है एच है, सीएल है सीएल है, बीआर है बीआर है, लेकिन इधर सिस है और इधर ट्रांस है, ये और ये ग्रुप चूंकि सेम नहीं है इसलिए ये काइरल सेंटर सेम नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस आ गया, ठीक है, इसमें ओरिएंटेशन का डिफरेंस आ गया, ध्यान रखिए ओरिएंटेशन का डिफरेंस अगर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहे जाएंगे, और अगर ओरिएंटेशन का भी अंतर नहीं होगा तब ऑप्टिकल एक्टिविटी का अंतर देखते हैं, या तो ओरिएंटेशन का ही फर्क है, ये जो है सिस है और ये चीज जो है वो ट्रांस है, ठीक है, एक सिस है दूसरा ट्रांस है, और चूंकि वो सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है, तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ये ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स जरूर हो सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं। अगर कोई पूछे कि क्या ये काइरल सेंटर और ये काइरल सेंटर आइडेंटिकल है, तब भी आपका आंसर नो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एच एच सी एल सी एल बी आर बी आर तो मैच करते हैं पर ये वाला ग्रुप उस ग्रुप से मैच नहीं करता है, ठीक है, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा और देखा, ठीक है, इस लेक्चर में मैं और इतना ही बातचीत करना चाहता हूं, इस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने ना काफी डिटेल बातचीत की है और आपको बताया है कि है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, एक काइरल सेंटर होता है तो कैसे निकालते हैं, मल्टीपल काइरल सेंटर और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तो कैसे निकालते हैं, मल्टीपल काइरल सेंटर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है तब कैसे निकालते हैं, और लगभग मॉलिक्यूल्स के बीच के रिलेशनशिप को पहचानने पे मैंने आपको 31 क्वेश्चन यहां पे कराए, तो इतना काफी है मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत करने के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं कि कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स को गिना जाता है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।